आदमी अगर कुछ करने की ठान ले तो उसे कोई नहीं रोक सकता। आपको पिछले साल मेड इन बिहार हेलीकॉप्टर बनाने वाले अमरजीत और सरबजीत तो याद ही होंगे। अगर आप में से कुछ लोग उन्हें नहीं जानते तो जान लीजिए कि उन्होंने बिना ईंधन उड़ने वाला हेलीकॉप्टर बनाया था, जिसे नाम दिया था मेड इन बिहार। मगर अब जो खबर हम आपको बताने जा रहे हैं, ये खबर भी उस खबर से जुड़ी हुई है। दरअसल जिस वक्त अमरजीत ने अपने भाई सरबजीत के साथ मिलकर हेलीकॉप्टर बनाया था, तो उस वक्त एक घमंड की बात भी सामने आई थी। और वो बात ये थी कि सोशल मीडिया पर कहा जाने लगा कि ऐसे अजूबे का आविष्कार केवल बिहार के लोग ही कर सकते हैं। बस फिर क्या था, ये सुनकर एक यूपी वाले की सटक गई और उसने ऐसा नया आविष्कार कर डाला कि उसे जानकर हर कोई वाह वाह कर रहा है। इनसे मिलिए, ये है मोहम्मद सलमान। सलमान का ताल्लुक एक सामान्य परिवार से है और वो पेशे से कारपेंटर है, यानी सलमान फर्नीचर का कार्य करते हैं। सलमान आजमगढ़ के तरवा थाना क्षेत्र के पकड़ी कला गांव का रहने वाला है और उन्होंने जो किया है उसकी चर्चा आज हर तरफ है। दरअसल कारपेंटर सलमान ने अपनी पुरानी कार को ही हेलीकॉप्टर बना दिया। इसे तैयार करने में उसने 3 लाख रुपए खर्च किया है। सलमान ने हेलीकॉप्टर को रंग बिरंगे लाइटों से ऐसे सजाया है कि वो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। कार को हेलीकॉप्टर बनाने वाले सलमान ने इंटर तक की पढ़ाई की है। फिलहाल वो फर्नीचर का काम करता है। उसने जो वीडियो जारी किया है उसमें एक कार हेलीकॉप्टर के रूप में रंग बिरंगी लाइटों से सुसज्जित सड़कों पर दौड़ती नजर आ रही है। हेलीकॉप्टर जैसी दिखने वाली सलमान की इस कार की काफी डिमांड है। शादी विवाह में लोग इसकी बुकिंग दूल्हे के लिए कर रहे हैं। लगातार बढ़ती डिमांड को देख सलमान भी काफी उत्साहित है। अब वो इसे और भी बेहतर बनाने में जुटा हुआ है। सलमान ने कार हेलीकॉप्टर का रूप देने में कबाड़ से निकाले गए कलपुर्जों का इस्तेमाल किया है। हेलीकॉप्टर के रूप में तैयार कार को LED लाइटों से सजाया गया है। इस काम में उसे 3 लाख रुपए खर्च करना पड़ा है। रात के समय इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। हेलीकॉप्टर कार में चालक समेत 4 लोग आराम से बैठ सकते हैं। कार काफी आकर्षक है। सलमान का कहना है कि अभी वो इसे और बेहतर बनाएगा। उसकी कोशिश होगी कि कार में स्पेस भी बढ़ाया जाए। लोग इस कार को शादी विवाह के लिए बुकिंग कर रहे हैं। सलमान ने बुकिंग के लिए 5,000 और 8,000 का रेट निर्धारित किया है। सलमान ने बताया कि नैनो कार को उसने हेलीकॉप्टर की तरह बनाया है। सलमान ने बताया कि हेलीकॉप्टर कार को बनाने के लिए बिहार से जारी एक वीडियो के जरिए उसे चैलेंज मिला था। इस चैलेंज को पूरा करने के लिए उसने दिन रात मेहनत की। उसकी मेहनत रंग लाई। आज इस कार की काफी डिमांड है। खैर, नैनो से हेलीकॉप्टर में तब्दील हुई इस कार में आने वाले दिनों में और भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सलमान के प्रयास अभी भी जारी हैं। सर, एक बार हम YouTube चला रहे थे जी, मेरे सामने एक वीडियो आया। बिहार के किसी भाई ने हेलीकॉप्टर बनाए थे और उन्होंने चैलेंज किया कि जो बिहारी कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता, बिहार वाले बहुत अच्छे हैं, बहुत सब कुछ उनको जानकारी है, सब कुछ वो कर सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं है जो नहीं कर सकते हैं। तो सर, वो जो चैलेंज कर रहे थे उनका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया और मैंने भी सोचा, मेरे पास भी गाड़ी है और 2 साल पुरानी हमारी गाड़ी थी सर, इसीलिए मैंने उनका चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने काम शुरू किया सर। लगभग 4 महीने जद्दोजहद किया, 4 महीने रात दिन मेहनत करके सर लगभग नवंबर में, लास्ट नवंबर तक हम अपना गाड़ी फाइनल कर दिया। क्या खासियत है आपकी गाड़ी में? हमारी गाड़ी सर सब कुछ हो सकती है, सिर्फ उड़ान नहीं भर सकती है, मतलब उड़ नहीं सकती है सर। आज भी अगर पंखी की स्पीड हम तेज कर दें तो गाड़ी हिलने लगती है समझे, अगर शायद इंजन और ताकतवर लगाएंगे तो शायद उड़ने भी लगेगी। सलमान द्वारा किए गए इस आविष्कार को लेकर आप क्या राय रखते हैं, वो हमें कमेंट कर बताएं। और यदि आपका ताल्लुक यूपी से है तो वीडियो को गर्व के साथ आगे शेयर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स 24 न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।